वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क। वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ एडवांस डेटा कम्युनिकेशन पार्ट टू, एंड द टॉपिक्स कवर्ड आर स्टेटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकल वर्सेस सिंक्रोनस टीडीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इन एसटीडीएम इट यूजेस इंटेलिजेंट डिवाइसेस कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हेन अ टर्मिनल इज आइडल। मींस एसटीडीएम हैज सच सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइस दैट आइडेंटिफाई द टर्मिनल इज आइडियल और नॉट। एसटीडीएम में हम इंटेलिजेंट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जो कि इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी टर्मिनल आइडियल है या नहीं है। दे अलोकेट टाइम ओनली टू लाइंस व्हेन रिक्वायर्ड। इसके थ्रू हम तभी टाइम देते हैं जब लाइन उसको जरूरत होती है। दिस मीन्स डेट मोर लाइन्स कैन बी कनेक्टेड टू आर ट्रांसमिशन मीडियम एज दिस डिवाइस स्टेटिस्टिकली कंपनसेट्स फॉर नॉर्मल आइडियल टाइम इन डेटा कम्युनिकेशन लाइन। एसटीडीएम के थ्रू हम ज़्यादा मल्टीपल लाइन्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। मीन्स वी कैन यूज मल्टीपल लाइन्स सॉरी मीन्स वी कैन यूज मल्टीपल लाइन्स टू कनेक्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। मीन्स ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू कनेक्ट करने के लिए हम मल्टीपल लाइन्स का यूज कर सकते हैं वाया एसटीडीएम। न्यूअर एसटीडीएम यूनिट्स प्रोवाइड एडिशनल कैपेबिलिटीज सच एज डेटा कंप्रेशन, लाइन प्रायोरिटी, मिक्स्ड स्पीड लाइन्स, होस्ट पोर्ट शेयरिंग, नेटवर्क पोर्ट कंट्रोल, ऑटोमेटिक स्पीड डिटेक्शन एंड मच मोर। एसटीडीएम हमें डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसा कि डेटा को कंप्रेस करना, लाइन की प्रायोरिटी सेट करना, स्पीड मिक्स्ड स्पीड लाइंस को यूज़ करना, होस्ट के पोर्ट को शेयरिंग करना, नेटवर्क पोर्ट के को कंट्रोल करना, एटॉमिक स्पीड डिटेक्शन करना। ये सब फीचर्स हमें एसटीडीएम के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक दिस वी हैव थ्री डिफरेंट सिस्टम, यूजर ए, यूजर बी एंड यूजर सी। We have a buffer system and we have different slots, shared output facility. These are addressing overheads and this is user data. S3DM is a variant of time division multiplexing. STDM TDM ka ek वेरिएंट है। इन एसटीडीएम डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ यूजर्स आर ट्रांसपोर्टेड ओवर अ सिंगल वाइड बैंड फैसिलिटी बाय टाइम स्लाइसिंग द अवेलेबल बेनिफिट ऑफ दैट फैसिलिटी। मीन स्टेडियम में हम एक कंप्लीट बैंडविड्थ को डिफरेंट टाइम स्लाइस में डिवाइड करते हैं। इन सिंपल टीडीएम अज्यूम्स अ सिंक्रोनस नेचर टू बी मल्टीप्लेक्सिंग। The time slices are of equal size, typically a few bits, and the user cycle through the time intervals in a fixed cycle. Means stadium में हम typically एक complete bandwidth को different equal size time slots में divide करते हैं और उसको subscribers को allocate कर देते हैं ताकि वो अपने data को particular उस time में send कर सके। This gives each user a constant bandwidth channel with fixed delay characteristics. इसके थ्रू हमें constant bandwidth channel मिलता है जिसमें fixed delay characteristics होती हैं।
सोनेट और सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क एंड टी कैरियर सिस्टम्स आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ सिंक्रोनस टीडीएम सिस्टम्स. मीन्स सोनेट एंड टी कैरियर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंक्रोनस टीडीएम. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम स्लॉट्स बींग द सेम साइज एंड यूजर साइकिलिंग इन अ फिक्स्ड पैटर्न. This allows the demultiplexer at the egress end of the circuit to distinguish one user from other and concurrently demultiplex their traffic. Means TDM के functionality के through demultiplexer को help मिलती है different different users के data को identify करने के लिए में और traffic को handle करने में. Each user is distinguished in time. One might call this a form of implicit addressing. Means हम easily different different users को identify कर सकते हैं with respect to time. इस process को हम implicit addressing कहते हैं. As long as the demultiplexer can correctly locate the time slots in the incoming bit stream, it can distinguish two separate channels by the time at which they arrive. Means इस process के through हम different different channels को time के base पर divide कर सकते हैं और we can say identify कर सकते हैं. In STDM, time slots are assigned to user on a first come first serve basis. STDM में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का यूज करते हैं. यूजर मैसेजेस आर क्यूड इन अ पूल ऑफ बफर एंड द बफर्स एम्प्टी इनटू टाइम स्लॉट्स एज स्लॉट्स बिकम अवेलेबल ऑन द शेयर्ड मीडियम. STDM में हम बफरिंग सिस्टम का यूज करते हैं जिसमें हम चैनल को डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में ब्रेक करते हैं. Thus, any users can be assigned to any time slot at any time. उन टाइम स्लॉट्स में हम किसी भी यूजर को असाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम में. Because time slots are not dedicated to a particular user, it is not possible for the demultiplexer to locate a particular user simply by when the bits arrive. मीन्स कोई पर्टिकुलर स्लॉट किसी पर्टिकुलर यूजर को अलोकेट नहीं किया जाता है. इंस्टेड ईच टाइम स्लॉट्स मस्ट कैरी एन एक्सप्लिसिट एड्रेस दैट आइडेंटिफाई द यूजर फॉर दैट टाइम स्लॉट. इसमें एक्सप्लिसिट एड्रेसिंग का यूज किया जाता है जिसमें हमें यूजर को आइडेंटिफाई करने में जिससे कि यूजर को आइडेंटिफाई करना इजी होता है. दिस एड्रेसिंग इज ओवरहेड एंड इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द रिसीवर्स. इफ ईच टाइम स्लॉट कंटेन्स एन इम्प्लिसिट एड्रेस देर इज ऑल्सो नो रिक्वायरमेंट्स फॉर द टाइम स्लॉट्स टू बी एग्जैक्टली द सेम साइज. टाइम स्लॉट्स को सेम होना जरूरी नहीं होता है STDM मल्टीप्लेक्सिंग में. दे कैन बी बट दे कैन ऑल्सो बी अलाउड टू वेरी इन साइज. बट हम उनको सेम साइज का रख सकते हैं बट जनरली उनका साइज वेरी करता है. इफ दे वेरी इन साइज हाउएवर इट इज क्रिटिकल डेट द ट्रांसमीटर प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ लॉन्ग any particular time slot happen to be. This is called framing. This process is known as framing. The objective of STDM technology is efficient use of bandwidth on the shared facility. The main aim of STDM is to fully utilize of bandwidth of shared channel.
If there is enough traffic being generated by user, there will be no empty time slots on the medium. अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता है किसी भी चैनल पे तो हमारे पास टाइम स्लॉट्स एम्प्टी नहीं होते हैं. इन एडिशन एसटीडीएम टेंड्स टू प्रोवाइड बैंडविड्थ टू दोज यूजर हु नीड इट मोस्ट, डेट इज दोज यूजर विद अ लोड ट्रैफिक टू सेंड, बट इट समटाइम रिफर टू एज बैंडविड्थ ऑन डिमांड. मीन्स एसटीडीएम के थ्रू जनरली उन यूजर्स को बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाती है जिनको बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है. दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, सोर्स ए, सोर्स बी, सोर्स सी, सोर्स डी एंड सोर्स ई. दीज आर द डेटा ब्लॉक्स अराइव असिंक्रोनसली फ्रॉम वेरिएबल रेट सोर्स. दिस इज स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सर. वी हैव बफर फॉर ईच सोर्स एंड दिस इज आउटपुट बफर. इनपुट बफर स्मूथ फ्लक्चुएशंस इन इनपुट डेटा रेट्स. आफ्टर दैट आउटपुट इज अ सिंगल कॉमन सिग्नल. Packets from the various sources are placed on channel like this. Means different signals are combined into a single signal. Now we have statistical versus synchronous TDM. The slot allocation in synchronous TDM is just like allocating a channel in circuit switched network. जैसे कि सर्किट स्विच नेटवर्क में हम चैनल्स को अलोकेट करते हैं वैसे ही एसटीडीएम में भी किया जाता है. इट डज नॉट रिक्वायर एड्रेसिंग एंड फ्रेमिंग इन्फॉर्मेशन. इसमें हमें कोई भी एड्रेसिंग या फ्रेमिंग इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी होती है. देयरफॉर व्हेन ऑल सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक यूज देयर डेजिग्नेटेड टाइम स्लॉट्स एज इफ द स्लॉट्स वर सेपरेट चैनल्स. इसमें डेजिग्नेटेड टाइम स्लॉट्स को यूज किया जाता है डिफरेंट स्लॉट्स को सेपरेट करने के लिए. व्हेन ट्रैफिक लोड्स इज हाई इनफ टू कीप द टीडीएम चैनल बिजी फॉर मोस्ट टाइम द सिंक्रोनस टीडीएम इज मोर एफिशिएंट देन एसटीडीएम एज इट डज नॉट हैव एनी फ्रेम हेडर्स. जब ट्रैफिक का लोड हाई होता है तो टीडीएम बेसिकली बिजी हो जाता है. बट अगर हम कंपेयर करें तो एसटीडीएम मीन सिंक्रोनस टीडीएम ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू स्टैटिस्टिकल टीडीएम बिकॉज इसमें फ्रेम हेडर हमें हैंडल नहीं करने होते हैं. देयरफॉर स्टैटिस्टिकल टीडीएम इज नॉट ऑलवेज बेटर देन सिंक्रोनस टीडीएम और वाइस वर्सा. इनफैक्ट दे बोथ हैव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. मीन्स स्टैटिस्टिकल और सिंक्रोनस टीडीएम के दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं और कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं. द मेन स्ट्रेंथ्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टीडीएम लाइज इन द फॉलोइंग फैक्ट्स. मीन्स दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल टीडीएम. It does not require a strict definition of beginning and ending of a frame. This property makes its implementation simple. This resembles packet switching mechanism. Means, as statistical TDM में हमें framing handle नहीं करनी होती है. Means हमें ये check नहीं करना होता है कि कहाँ से हमारा data start हो रहा है, कहाँ पर end हो रहा है, जिससे कि हमारे framing और हेडर ओवरहेड कम हैंडल करना होता है. एज स्टैटिस्टिकल टीडीएम पैकेट स्विचिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं. इट यूटिलाइज द चैनल कैपेसिटी मोर एफिशिएंटली स्पेशली व्हेन इंडिविजुअल सोर्स हैव बस्टी ट्रैफिक.
स्टेटिस्टिकल टीडीएम के थ्रू चैनल का फुल्ली यूटिलाइजेशन किया जाता है। बस्ट ट्रैफिक इज कैरेक्टरिस्टिक बाय रिपीटेड पैटर्न ऑफ सडन डेटा जनरेशन फॉलोड बाय लॉन्ग पल्सेस सॉरी लॉन्ग पॉजेस। इट इज बेटर सुटेड टू ट्रैफिक रिसोर्सेज सॉरी ट्रैफिक सोर्सेज विद वेरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ चैनल कैपेसिटी। स्टेटिस्टिकल टीडीएम बेटर सुटेड होता है ट्रैफिक सोर्सेज के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट चैनल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। सोर्सेज रिक्वायरिंग हाई कैपेसिटी माइट सेंड लॉन्गर फ्रेम्स एंड मोर ऑफन देन द अदर स्लो स्पीड सोर्सेज। इवन दो सिंक्रोनस टीडीएम कैन प्रोवाइड दिस कैपेबिलिटी बाय असाइनिंग मल्टीपल टाइम स्लॉट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन सिंक्रोनस टीडीएम इज दैट स्लॉट इटसेल्फ एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट अ स्लॉट रिमेन्स ओनली पार्शियली फिल्ड दस वेस्टिंग द चैनल कैपेसिटी। मीन्स सिंक्रोनस टीडीएम में चैनल का फुल्ली कैपेसिटी चैनल की कैपेसिटी का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता है, उसमें चैनल की कैपेसिटी की वेस्टिंग होती है। इन एडिशन टू द अबव बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिकल टीडीएम देयर आर सम ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद इट एज वेल। सम ऑफ दीज आर मीन्स दीज आर द ड्रॉबैक्स और वी कैन से डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल टीडीएम। The data has to be stored in buffers that requires additional cost of memory. Means statistical TDM handles buffer that increases the cost of memory. Due to buffer storage, there will be delay distortion introduced. This would deteriorate the quality of real-time data. Means due to statistical TDM or we can say buffers, the quality of real time data is Detroit's means this we cannot get the quality of real time data. There is an additional overhead attached to the each frame that helps to identify the boundaries, addresses, addresser and other information about data. At higher load, this header cuts down on the efficiency of line. The synchronous TDM has the following benefits over the other. In statistical TDM, we have additional overheads that are attached with the frames. Means how to identify the boundaries of frames is additional overhead in statistical TDM. Now these are the benefits of synchronous TDM. Once slot allocation has occurred, there is a fixed relation between our data source and its slots. Means synchronous TDM में slots allocate करने के बाद एक relation create हो जाता है data source और उसके slot के बीच में। This is analogous to circuit allocation in circuit switch network, जो कि similar है circuit switch network के। There is no extra delay distortion, which makes it ideal for voice-like communication. Means synchronous TDM is mostly used in voice-like communication. There are trade-offs in terms of some disadvantages such as we also have some kind of disadvantages in synchronous TDM. In condition of low traffic volume from all or some data sources, the link utilization is lower than statistical TDM. Means in synchronization TDM, we cannot have full utilization of links. That is in statistical TDM. The multiplexer and traffic sources all have to be synchronized. Means synchronous TDM में multiplexer और traffic sources का synchronization होना must है.
Usually, the way this is done is by having a central clock providing synchronous to the main multiplexer with clock from each source synchronized with the main clock. Means इस synchronization achieve करने के लिए हम clocks का use करते हैं, जिसमें एक main clock होती है और different different multiplexer को different different clocks provide की जाती हैं. The main clock runs at the line capacity and is sometimes called as the master clock. Main clock को हम master clock कहते हैं. This is the real cost of synchronous TDM and offset the memory cost of statistical TDM. Local clocks of individual sources generate data locally. Means local clock के through local data को generate किया जाता है. Data is multiplexed according to a predetermined order. Data को multiplexed करने के लिए एक predetermined order का use किया जाता है. The multiplexed cycle is divided into frames and slots, and one or more slots are assigned for individual data sources. मल्टीप्लेक्स साइकिल को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स फ्रेम सॉरी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स या स्लॉट्स में ब्रेक किया जाता है और उन फ्रेम्स को असाइन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को. नाउ डू इट योरसेल्फ. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग एंड सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सिंक्रोनस टीडीएम. This is the end of second session of advanced data communication. We will cover the next topics in the next sessions. Thank you. Happy learning. We learning.